दिमाग यानी ब्रेन इंसान के नर्वस सिस्टम का मरकज होता है जो पूरे जिस्म को कंट्रोल और ऑपरेट करता है। हालांकि ब्रेन इंसान का सबसे नाजुक पार्ट होता है पर सबसे तेजी से काम करता है। इंसान अपना रास्ता कैसे चुनता है हमें कभी इसका एहसास नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग बेहद तेजी से हमारी दिशाएं तय करता है। अब तक की इस अबूझ पहेली को हल करने वाले साइंटिस्ट को इस बार मेडिसिन का नोबेल दिया गया है। सदियों से राज बने इस सवाल को सुलझाने वाले न्यूरोसाइंस के साइंटिस्ट जॉन मायाब्रिट और एडवर्ड को अब सफलता मिली है। ब्रेन का जीपीएस खोजने वाले तीन साइंटिस्ट्स को इस साल मेडिसिन का नोबेल अवार्ड दिया गया। इनकी इस रिसर्च ने दुनिया को यह बताया कि ब्रेन आसपास की जगह का मैप किस तरह तैयार करता है और आने जाने का रास्ता कैसे ढूंढता है। इसके साथ साथ इस रिसर्च से उम्मीद की जा रही है कि अल्जाइमर और ब्रेन की और बीमारियों का इलाज तलाशने में भी मदद मिलेगी। इस रिसर्च की शुरुआत 1971 में हुई थी जब साइंटिस्ट जॉन ने देखा कि लैब में जब जब कोई जानवर एक खास जगह पर आता था तो चूहे के दिमाग में खास सेल्स एक्टिव हो जाते थे। जानवर दूसरी तरफ होता तब दूसरे नर्व सेल एक्टिव होते थे, जिससे उन्होंने यह कंक्लूजन निकाला कि हमारा ब्रेन अपने आसपास का पूरा मैप तैयार करता है। इस रिसर्च के तीन डिकेड्स के बाद 2005 में नॉर्वे के मैप्रीट और एडवर्ड ने ब्रेन के इस सिस्टम के दूसरे हिस्से यानी ग्रीड सेल्स का पता लगाया, जो नर्व सेल ब्रेन को जगह और रास्ते याद रखने में मदद करता है। तीन दिनों की इस रिसर्च ने न्यूरोसाइंस के नाम मेडिसिन का नोबेल अवार्ड से नवाजा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस रिसर्च से इंसानों को कितना फायदा होता है। मुंसिफ टीवी के लिए दिल्ली से किरणदीप के साथ जागृति सिंह की रिपोर्ट।